व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं एस का। इसी पीरियड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो स्टडी मटेरियल मैंने बनाए। आई होप आप सभी के पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं वो कवर हो चुके होंगे। अगर कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे अपनी आईडी दे दी है, आप सभी वहाँ पर जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 10 को पढ़ते हैं। चैप्टर 10 का नाम है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि आपको जो अपने क्लाइंट्स की डिज़ाइनिंग करनी होती है वर्कआउट की, वो एक्चुअल में इसी के अंदर दे रखी है कि किस तरीके से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आगे चल के आप अपने क्लाइंट की डिज़ाइनिंग कर पाएँ वर्कआउट की, ठीक है। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा इसको या 2 या 3 पार्ट में कवर करूँ। तो हम अपना जो ये चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे अपने जिम के अंदर या लोग जो आपको टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक ट्रेनर को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक आखिरकार होता क्या है? बोलते हैं ना कि कॉन्सेंट्रिक फेज़ में आपको कॉन्ट्रैक्ट करो, इसेंट्रिक फेज़ में आपको ऐसे करना है। तो आखिरकार ये होता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेंट्रिक क्या होता है। मान लीजिए आपके ये मसल है, ठीक है। अब इस मसल की लेंथ को मैंने छोटा कर दिया है, अब मसल मेरा वापस आपस में मिल गया है, ठीक है। तो ये जो शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स होता है उसको हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर इसकी लेंथनिंग कर दूं मैं, इस मसल की मैं लेंथनिंग कर दूं, ये देखो ये मसल मेरा लेंथनिंग हो गया है इसका, तो ये कहलाता है इसेंट्रिक, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेंट्रिक किसे कहते हैं और इसेंट्रिक किसे कहते हैं। अब अगला जो टर्म है वो कहलाता है आपका आइसोमेट्रिक। सो बेसिकली आइसोमेट्रिक क्या होता है? आइसोमेट्रिक का मतलब कि आपकी मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। अब वो कैसे? मान लो आप प्लैंक कर रहे हो, ठीक है। अब प्लैंक करते हो आप, तो आपके मसल के अंदर ना ही तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ना ही उसको आप फ्लेक्स कर रहे हो, ना ही एक्सटेंड कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे ना। आप एक ही जगह पे खड़े हो कि उसको आपने होल्ड किया हुआ है, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी आइसोमेट्रिक। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपने देखा होगा बेंच प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। बेंच प्रेस में मैं पूरा लेके गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ? अब मैंने अपने चेस्ट की जो मसल है जब मैं पूरा ऊपर लेके गया तो ये कॉन्सेंट्रिक हो गया, क्योंकि ये आपस में शॉर्ट हो गया ना। देन उसके बाद जब मैं नीचे लेके आया तो इसेंट्रिक हो गया। अब मैं इसको ऐसे होल्ड कर दूंगा, इसी पोजीशन में होल्ड कर दूंगा, तो ये ना ही इसकी मसल लंबी हुई ना ही छोटी हुई, तो ये क्या कहलाएगा? आइसोमेट्रिक कहलाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, इसेंट्रिक क्या होता है और आइसोमेट्रिक क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेट्स की। सो बेसिकली सेट्स के अंदर हमारा है कंपाउंड सेट, सुपर सेट एंड ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट को हम ब्रेक डाउन ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो आखिर होता क्या है? आपने देखा होगा कि कंपाउंड सेट के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं और सुपर सेट के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, बैक टू बैक हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब कंपाउंड सेट और सुपर सेट के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं वो चीज़ पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। कंपाउंड सेट के अंदर भी हम लोग बैक टू बैक एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग, और सुपर सेट के अंदर भी हम लोग बैक टू बैक एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है आपके मसल ग्रुप का। कंपाउंड सेट के अंदर मान लो अगर मैं चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने फ्लैट बेंच लगाया, ठीक है, देन उसके बाद मैंने तुरंत अपना इंक्लाइन पे चला गया, दोनों किसकी एक्सरसाइज हो गई? दोनों चेस्ट के मसल की एक्सरसाइज है, ठीक है, तो वो कंपाउंड सेट कहलाता है, ठीक है। अगर वहीं पर मान लो मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज लगाई, मान लो बेंच प्रेस लगाया, देन उसके बाद मैं बारबल रो पर चला गया, यानी कि मैंने एक ये वाली मसल की एक्सरसाइज करी, देन उसके बाद उसके ऑपोजिट मसल को मैंने ट्रेन किया, तो ये तुम्हारा सुपर सेट कहलाता है। आई होप तुम सभी को क्लियर हो चुका होगा कंपाउंड सेट किसे कहते हैं और सुपर सेट किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमारी बारी आती है ड्रॉप सेट की। ड्रॉप सेट का मतलब जैसे कि आप सभी को नाम समझ के ही, नाम सुन के ही समझ में आ गया होगा कि भाई ड्रॉप सेट क्या होता है। बेसिकली इसको ब्रेक डाउन ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसके अंदर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ समझा देता हूँ। देखिए इसका मैं जो मैंने इसके अंदर डेफिनेशन लिखी है वो ये है, ट्रेन अ मसल टू फटीग एंड देन ड्रॉप द वेट बाई 18% और 20%, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हम लोग मान लो बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, 15 किलो से लगाया फिर छोड़ दिया, जब तक हमारा मसल फटीग नहीं हुआ हम करते रहे, फिर उसके बाद छोड़ दिया, देन उसके बाद 12 किलो से लगाया, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 7.5, फिर 5, तब तक करना जब तक एक रेपिटेशन हमारी मतलब करने लायक ना हो जाए, कंप्लीटली फटीग हो जाए हमारा मसल, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रॉप सेट बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रेक डाउन ट्रेनिंग भी कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है असिस्टेंट ट्रेनिंग। असिस्टेंट ट्रेनिंग जो होती है, यहाँ पे पर्सनल ट्रेनर या जो ट्रेनर होते हैं जितने भी, उनका मेन रोल होता है। असिस्टेंट नाम से समझ में आ रहा होगा कि किसी को असिस्ट करना यानी सपोर्ट देना। बोलते हैं ना यार सपोर्ट दियो सपोर्ट दियो। सो एक चीज़ इसके अंदर ये समझने वाली चीज़ है कि कभी भी आप लोग पर्सनल ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको सपोर्ट करना है तो आपको हमेशा उनके कॉन्सेंट्रिक फेज़ में सपोर्ट करना है। कॉन्सेंट्रिक फेज़ में यानी कि जब मसल आपका उसकी शॉर्टनिंग हो तभी आपको उसको सपोर्ट करना होता है, क्योंकि इसेंट्रिक फेस में कोई भी लोग होते हैं देखा गया है कि वो 40% ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पीपल आर 40% स्ट्रॉन्गर ऑन इसेंट्रिक फेस, ठीक है।
ये क्वेश्चन आ सकता है एस के अंदर, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान में रखना है कि वो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से फेज में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, तो इसके अंदर ऑप्शंस होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसेंट्रिक फेज में 40% ज़्यादा वो लोग होते हैं स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अब अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगला है ट्रेनिंग वेरिएबल्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं ट्रेनिंग के अंदर जो कि आपकी स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, आपको वर्कआउट प्लान को कैसे डिज़ाइन करना है अपने क्लाइंट के लिए कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो ट्रेनिंग वेरिएबल्स को सबसे पहले समझना होगा कि ट्रेनिंग के आखिरकार कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है VTFIR, VTFIR। वी बोले तो वॉल्यूम, टी बोले तो टेम्पो, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, आई बोले तो इंटेंसिटी, और आर बोले तो रेस्ट इंटरवल, ठीक है। वॉल्यूम, टेम्पो, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, रेस्ट इंटरवल, VTFIR, ठीक है। इतना आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ सॉरी मेरा कैमरा हिल गया। अब मैं आप सभी को कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ, उसको एकदम कॉमन सेंस लगा के यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, तुम्हारा जो इंटेंसिटी होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो ज़्यादा है तो तुम्हारी बॉडी में फैट परसेंटेज कम हुआ, तो यानी कि मेटाबॉलिज्म इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फैट के, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो आई होप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट तुम सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो अगली चीज़ जो है वो कम होगी, ठीक है। अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, अगर मान लो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कम है तो तुम्हारे बॉडी का फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं ट्रेनिंग वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको कॉमन सेंस लगा के समझना। तुम्हारी जो इंटेंसिटी होती है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंटेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब कैसे वो समझाता हूँ मैं। अब मान लो तुम्हारी इंटेंसिटी है, तुम डेली जो है लगा रहे हो अपना, एक दिन तुमने वर्कआउट किया, वर्कआउट बहुत ही लेमेस लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारे लेग्स का वर्कआउट है, लेग्स में तुमने इंटेंसिटी बहुत हाई रखी, बोले तो 200 किलो से स्क्वाट्स कर रहे हो। अब क्या ये पॉसिबल है कि 200 किलो के तुम स्क्वाट्स लगा रहे हो और उसका मैं तुम्हें बोलूं कि भाई 10 सेट करना, यानी उसके वॉल्यूम को बढ़ा दो, इंटेंसिटी भी बढ़ा दी और वॉल्यूम भी बढ़ा दी, पॉसिबल है? नहीं है ना। तुम 200 किलो से 10-10 रैप निकालो, ठीक है, चलो 200 किलो से तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लेके चलते हैं कि 200 किलो से तुमने 5 रैप निकाले, तो क्या पॉसिबल है कि 200 किलो से तुम 10 सेट निकाल पाओगे, 10 सेट 5-5 रैप के? नहीं यार, क्योंकि वो वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब मान लो हफ्ते में तुम 7 दिन ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, अगर हफ्ते में 7 दिन ट्रेन कर रहे हो तुम, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है और ये वापस से वॉल्यूम है, ठीक है। हफ्ते में तुमने 7 दिन ट्रेन किया तो वॉल्यूम तुम्हारी क्या रहेगी, यानी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम रखना पड़ेगा ना तुम्हें। वॉल्यूम बोले तो अपना ओवरऑल नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ रेपिटेशंस, वो कम रखने पड़ेंगे। और फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कितने दिन तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, 7 दिन तुमने एक्सरसाइज करवाई, ठीक है। अब भाई 7ों के 7 तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो वॉल्यूम भी तुम अगर हाई कर दोगे तो क्या होगा, बोले तो तुमने 7ों के 7ों दिन एक्सरसाइज कराई और हाई वॉल्यूम पर, सब में तुमने 10-10 रैप, 12-12 रेपिटेशंस लगवाने हैं और 10-10 सेट करवा रहे हो सबके, तो भाई इंजरी हो जाएगी, तुम्हारी क्लाइंट की इंजरी हो जाएगी, बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। अगर तुम लोग भी हो तो अगर ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हो कि 7ों के 7ों दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, थोड़ा साइंटिफिकली चलना पड़ेगा कि अगर 7ों दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं बुरा नहीं कह रहा उसको, तो या तो तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रखना होगा, तो अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारी ज़्यादा है तो वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 7 के 7 दिन ट्रेनिंग नहीं कर सकते, वो एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल होता है किस तरीके से करना है, वो मैं तुमको समझा दूंगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी जो है ना, अगर ये ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम करो, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा करो, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला जो फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब देखो वो कैसे, फ्रीक्वेंसी 7 दिन की है, अब मैं तुम्हें बोलूँ कि 7ों दिन तुम्हें जो भी स्प्लिट तुम फॉलो कर रहे हो उसमें तुम्हें बहुत हैवी वेट लगाना है, बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट, भाई कैसे लगा पाओगे? फ्रीक्वेंसी भी तुमने 7ों के 7ों दिन कर दी पूरी हाई, और इंटेंसिटी भी तुम्हारी फुल ऑन बहुत ही तगड़ी है, 200 किलो के स्क्वाट लगा रहे हो, डेडलिफ्ट लगा रहे हो, बेंच प्रेस लगा रहे हो, भाई तुम्हारी इंजरी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आई होप तुम सभी को समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को वापस से रिपीट करके ज़रूर सुनना कि किस तरह से प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्लाइंट के वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। डोरियन येट्स था, डोरियन येट्स क्या काम करता था, हफ्ते में 3 से 4 दिन ट्रेनिंग करता था, तो लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, बहुत ज़्यादा, तो 4 दिन ही ट्रेनिंग करता था, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी देखो 4 दिन की, फ्रीक्वेंसी कम है और उसका जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी उसकी कम थी तो वॉल्यूम ऑब्वियसली
उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आई होप तुम सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत ही, यार ये कैमरा हिल जा रहा है बार बार। अब ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने क्लाइंट का वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करने। कौन सी चीज़ है वो? वेरिएबल्स अफेक्टिंग प्रोग्राम डिज़ाइन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट। ध्यान से सुन लो, फर्स्ट FIRST क्या होता है? एफ़ बोले तो फ्रीक्वेंसी, आई बोले तो इंटेंसिटी, आर बोले तो रेप्स, एस बोले तो सेट्स, एंड टी बोले तो टाइप ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, क्या होता है, किस तरह से होता है वो समझाता हूँ। पहले हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया, मान लो बिगनर है, अब उसको फ्रीक्वेंसी बोले तो कितने दिन तुम वर्कआउट दोगे? ठीक है, क्या हफ्ते में उसको 4 दिन वर्कआउट दोगे, हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट दोगे, या हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट दोगे? ठीक है, पहला फैक्टर फ्रीक्वेंसी का, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से तुम्हें डिज़ाइन करना है, पहले उसकी कंसल्टेशन करोगे ना पूरी कंप्लीटली, उसके प्रोफाइल को जानोगे कि व्हाट विल बी योर पॉसिबल वर्कआउट फ्रीक्वेंसी एंड ऑन व्हाट डे यू प्रीफर टू हैव रेस्ट। ठीक है, ये सारे बेसिक प्रोफाइल डिटेल जो उसकी कंसल्टेशन करोगे उसके बाद की बात है। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें पहले उसकी डिसाइड करनी है कि ओके बॉस, इसको मैं हफ्ते में 5 से 6 दिन ट्रेनिंग कराऊंगा या 3 से 4 दिन ट्रेनिंग कराऊंगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर है फ्रीक्वेंसी का। देन उसके बाद आता है इंटेंसिटी। मान लो कोई बिगनर है तो उसकी इंटेंसिटी कैसे रखोगे? लो रखोगे। कोई इंटरमीडिएट है तो बीच की इंटेंसिटी रखोगे। कोई एडवांस है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रखोगे। आई होप तुम सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा जो है रैप्स है और चौथा जो है सेट है। रैप आर बोले तो रैप्स और एस बोले तो सेट। अब उसका रैप रेंज क्या रखना है? उसका रैप रेंज अगर तुम हाई इंटेंसिटी पे चल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है रैप रेंज कम हो जाएगा। ठीक है, और उसका सेट क्या रखना है, उसके कितने नंबर ऑफ सेट्स करवाने हैं उसको। ठीक है, मान लो कि अगर बिगनर है, उसका फ्रीक्वेंसी मैंने रखा हफ्ते में 4 दिन। ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी में बीच बीच की बिगनर लेवल पे ही रखा हूँ, तो उसका जो रेप्स है वो 10 से 12 रखूँगा और सेट जो है वो 3 से 4 रखूँगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें डिज़ाइन करना है। आगे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि रेप्स और सेट्स को कैसे तुम सभी को डिज़ाइन करना है एक बिगनर के लिए, और अगर मान लो वो हाइपरट्रॉफी को अचीव करता है, हाइपरट्रॉफी क्या होती है वो अभी हम आगे समझेंगे, किस तरह से हाइपरट्रॉफी होती है, मायोफिब्रिल और सारकोप्लाज्मिक, किसको टारगेट करना है, यानी कि किसी के स्ट्रेंथ को ज़्यादा फोकस करना है, किसी के साइज को ज़्यादा फोकस करना है, तो उसी हिसाब से तुम उसके रेप्स को और उसके सेट्स को वो इंटरचेंज करोगे। ठीक है, वो आगे वाला टॉपिक है, वो अभी तुमको अगले पार्ट में मैं समझा दूंगा। तो आई होप तुम सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो लास्ट है, फर्स्ट का जो लास्ट टी था ना, उसका मतलब होता है टाइप ऑफ एक्सरसाइज। अब किस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो, कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं? ठीक है, अब टाइप के अंदर तुम्हारा स्प्लिट आता है। स्प्लिट बोले तो क्या तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करवा रहे हो? देखो, पहली बात तो मैं ब्रो स्प्लिट किसी को रिकमेंड नहीं करता। ब्रो स्प्लिट अगर मान लो मंडे को चेस्ट किया, ट्यूसडे को बैक किया, ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, पर्सनल ट्रेनर आप लोग हैं तो तुम्हें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि भाई ये ब्रो स्प्लिट को फॉलो मत करो, इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। मान लो मंडे को तुमने वो करवाया, बिगनर के लिए तो ऑब्वियसली बात है, वो एक टॉपिक अभी समझाऊंगा तुम्हें कि बिगनर अगर ब्रो स्प्लिट भी फॉलो करता है तो उसको रिजल्ट क्यों आता है, अभी आगे एक चीज़ है वो समझाऊंगा तो अपने आप ही समझ जाओगे। देखो, खुद सोचो तुम कि तुम्हारा चेस्ट है, मंडे को तुमने चेस्ट किया, अब फिर दोबारा तुम चेस्ट कब कर रहे हो? अगले मंडे को, पूरे 7 दिन बाद आ रहा है ना। तो ये देखो ना, इस मसल को, पर्टिकुलर मसल को मैंने कब हिट किया, पूरे हफ्ते भर बाद हिट किया। लेकिन जो स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि उन्होंने मंडे को चेस्ट हिट किया, वो ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है ना, ये चीज़ को तो ध्यान दो। ठीक है, तो तुम्हारा जो टाइप ऑफ एक्सरसाइज, इसके अंदर या तो तुम फुल बॉडी वर्कआउट रखोगे, पुश पुल एंड लेग रखोगे, या अपर लोअर रखोगे, वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि किस हिसाब से तुम टाइप ऑफ एक्सरसाइज को रखते हो। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेनिफिट्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसको समझाने से पहले मैं तुम सभी को समझा देता हूँ कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस, देखो हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि तुम जिम में जाके अपनी बॉडी के ऊपर वेट डाल रहे हो, या आटे की बोरी उठा के तुम अपने ऊपर वेट डाल रहे हो, या सिलेंडर उठा के तुम अपने ऊपर वेट डाल रहे हो, या कोई भी सामान उठा के तुम अपने ऊपर वेट डाल रहे हो। एट दी एंड आपको अपनी बॉडी के ऊपर वेट पैदा करना, यानी रेजिस्टेंस पैदा करना होता है, तभी आपकी बॉडी ग्रो करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मोस्टली हमारे इंडियन कल्चर में आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग अपने बच्चों को जिम नहीं जाने देते, बोलते हैं कि भाई जब ये 18 साल का हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसको जिम भेजूंगा, क्योंकि मेन रीज़न ये देते हैं कि उनकी हाइट रुक जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें अभी बताया ना कि तुम्हारी बॉडी को नहीं पता कि भाई तू जिम में जाके अपने बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंस डाल रहा है, या घर में बैठ के तू आटे की बोरी उठा रहा है, या कोई सामान उठा रहा है उससे तू अपने बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंस डाल रहा है, या पर्टिकुलरली तू मतलब कोई काम करके अपने बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंस डाल रहा है। तो ये एक माइंडसेट जो हमारे इंडियन पेरेंट्स का है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर बच्चा जिम में जा रहा है, ठीक है, तो उसका जो मसल की क्वालिटी है, उसकी जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी, अगर एक सही पर्सनल ट्रेनर जो है उसको गाइड कर रहा है, उसके वर्कआउट प्लान को डिज़ाइन कर रहा है, फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट बताया था ना, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, रेप्स, सेट्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। एक सही एजुकेटेड पर्सनल ट्रेनर होगा या ट्रेनर होगा, अगर वो उसको कराएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो तुम्हें अपने क्लाइंट को ये चीज़ समझानी चाहिए कि भाई अगर आप अपना वर्कआउट कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं करवा रहे। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि हमारे को, देखो अपने क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ेगा। हमारा मेन काम, देखो
पैसे ऑब्वियसली बात है कि हम लोग अपने क्लाइंट से पैसे चार्ज करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अपनी ईमानदारी के साथ ना अपने काम को करोगे और सामने वाले को एजुकेट करोगे, ये मत सोचो कि भाई मैं इसको चीज़ नहीं बताऊंगा या एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं अपने तक ही राज रखूंगा। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे देखे हुए हैं लोग कि वो अपने तक ही राज रखते हैं कि हाँ भाई मैंने क्या एक्सरसाइज कराई थी, नहीं बताते। भाई हमारा मेन काम है अपने क्लाइंट को एजुकेट करना, उसको हमें डिपेंडेंट नहीं बनाना अपने ऊपर, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इससे तुम्हारी पीटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, पहली चीज़ बता रहा हूँ। ईमानदारी से काम करोगे तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा ही आएगा, इस चीज़ को तुम लोग ध्यान से निकाल दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं, आई वो बहुत सारा ऑफ ट्रैक चला गया था, तो अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, सबसे पहले तो क्या है, ये तुम्हारे मसल फाइबर के साइज़ को इंक्रीज़ करता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन बोन मास डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, तुम्हारे टेंडन और लिगामेंट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। अब मेन सवाल है कि भाई टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। देखो बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊंगा, बहुत आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये मेरा मसल एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये मेरा मसल है और ये मेरी बोन है, ठीक है। मेरी मसल को मेरी बोन के साथ जिस क्या बोलते हैं इसको धागा मान लो कि जिस धागे ने जोड़ा हुआ है उसको हम टेंडन बोलेंगे। मसल को बोन के साथ जिस धागे ने जोड़ा है, यानी कि मसल और बोन जो जॉइंट होता है ना, मसल बोन का जो जॉइंट रहता है उसको हम टेंडन बोलते हैं। और वहीं पे मान लो ये मेरी हड्डी है एक, और ये मेरा एक हड्डी ये हो गई और एक हड्डी ये हो गई, ठीक है। ये जो एल्बो जॉइंट है, यानी कि हड्डी को हड्डी से किसने जोड़ा है, कौन से जॉइंट ने जोड़ा है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। आई होप तुम सभी को समझ में आ गया होगा कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम सभी को समझा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एज के अंदर, ठीक है। अब जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते, ठीक है, जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते वो हर 10 साल के अंदर 2.3 केजी अपना मसल मास लूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान से सुनो, जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते वो हर 10 साल के अंदर अपना 2.3 केजी मसल मास लॉस करते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट उनका स्लो हो जाता है। मैं पूरा तुम सभी को स्टेटमेंट पढ़ के समझा देता हूँ। एवरी डिकेड, यानी कि 10 साल, नॉन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंडिविजुअल विल लूज 5 lbs, बोले तो 2.3 kgs ऑफ मसल, विच इन टर्न विल रिड्यूस देयर RMR, बोले तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट उनका कम कर देता है, एंड इंक्रीज बॉडी फैट स्टोरेज, और उनका बॉडी का फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। हैंस बोथ मेल एंड फीमेल मस्ट मेक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अ रेगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ देयर एक्टिव लाइफ स्टाइल। अब मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो मेटाबॉलिज्म है RMR, ठीक है, तुम्हारा जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मसल मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फैट। कैसे समझाता हूँ, सिंपल, अगर तुम्हारा मसल मास ज़्यादा होगा तुम्हारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, फैट है, तुम्हारी बॉडी का ऑटोमेटिक फैट परसेंटेज डाउन जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो उनका मसल मास, मैंने क्या बताया, हर 10 साल के अंदर 2.3 kg कम हो जाता है। तो देखो उसका मसल मास कम होगा तो यानी उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम हुआ, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तुम्हारे बॉडी फैट के, तो बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो कम है तो बॉडी फैट परसेंट ज़्यादा होगा, वहीं पर अगर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, ठीक है। आई होप तुम सभी को समझ में आ गया होगा। अब अदर बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि अदर बेनिफिट्स इंक्लूड डिक्रीज इन ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो उनका होता है वो कम होता है, लिपिड प्रोफाइल जो है उनकी, माने कि LDL जो लेवल है वो भी कम होता है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। देन उसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको ठीक करता है, और ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करता है, क्योंकि तुम्हारी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। आपने देखा होगा ना आजकल 30-32 साल के लोगों को घुटने में दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस वगैरह इन सब में, क्योंकि जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनको इसमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अब अगला है तुम्हारा इम्प्रूव बॉडी कंपोजिशन, ऑब्वियसली बात है तुम्हारी लीन मसल मास को इंक्रीज़ करेगा और फैट परसेंटेज को कम करता है, ठीक है। तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट वो बढ़ता है, तुम्हारा टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो कम होता है, और CVD कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ का जो रिस्क है उसको भी कम करता है तुम्हारा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है। तुम्हारे इंसुलिन रिस्पॉन्स को अच्छा करता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को अच्छा करता है, और रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बोले तो थायराइड वगैरह जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह होते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। एंड डिक्रीज डिप्रेशन इन ओल्डर मेन एंड वुमेन, डिप्रेशन को भी क्रिएट ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये तुम्हारे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। देखो हज़ारों फायदे हैं, एक बार तुम खुद ही सोचो ना, जब तुम जिम जाते होगे तो तुम्हें बहुत लाइट फील होता है, ठीक है, इट्स लाइक अ मेडिटेशन, इट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर अस।
आपको ये चीज़ अपने क्लाइंट को समझानी पड़ेगी कि भाई इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस प्रोटोकॉल होगा, उसमें मैं तुम सभी को समझाऊंगा कि किस तरह से आपको अपने क्लाइंट को पिच करना है, किस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किस तरह से उससे बात करनी है और किस तरह से उसको एनकरेज करना है एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, ताकि वो भी बढ़े और उसकी पूरी फैमिली भी आए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये आगे की बात है, वो हम अपने अगले आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब एक और चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बहुत ही ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं बोला था ना कि एक चीज़ मैं तुम सभी को बताऊंगा कि क्यों बिगनर्स वगैरह लोगों को, चाहे वो ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिलता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उनकी हाइपरट्रॉफी बढ़ती है। उसके पीछे एक फैक्टर होता है, मैंने स्टेटमेंट बता देता हूँ तुम्हें क्या होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेवरल वीक ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रेंथ गेन्स आर लार्जली ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन, ऑल्सो नोन एज मोटर लर्निंग, ठीक है। हमारे जो न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन की वजह से हमारे जो फर्स्ट वीक ऑफ ट्रेनिंग जो होती है, सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेनिंग स्पेशली बोले तो बिगनर्स के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ और साइज इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि जो उनके न्यूरॉन्स होते हैं वो अडेप्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी साइज और स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एज के लिए, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है इसके अंदर हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी के बारे में, मायोफिबरल हाइपरट्रॉफी, सारकोप्लाज्मिक, बहुत लंबा चैप्टर है। तो आज की वीडियो अभी मैं इतना यहीं तक रखता हूँ, अब अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम सभी कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो मेरे को नीचे इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे जाके मेरे को रीच आउट करो, ठीक है। और जो इसके नोट्स हैं, पहले एक बार चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, फिर उसके बाद नोट्स के बारे में क्या करना है, किस तरह से आप मेरे से ले सकते हो नोट्स, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। पहले कोशिश करो कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उसी से देख के आप सभी अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है, ताकि तुम सभी को फ़ायदा मिले। देन उसके बाद हम अपने, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा देन उसके बाद हम अपने चीज़ें जितने भी हैं वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट डाउन ज़रूर करना कि कैसी लगी आज की वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।